दुबई से इंडिया पाकिस्तान का जो बिग गेम था उसके बाद नतीजा आ गया है। 10 विकेट से पाकिस्तान ने भारत को, इंडिया को हराया है और जो पुराने रिकॉर्ड थे वर्ल्ड कप के वो अब बदल गए हैं। और हमारे साथ हमने मैच से पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था कि आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान ने जीत के 10 विकेट से दिखाया। इसी चैनल पे मैंने फर्स्ट मैच से पहले इंटरव्यू दिया था कि आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने मैच जीता है। अभी ये पहला मैच था इस वर्ल्ड कप T20 का। हमारे साथ इंडिया के भी फैंस हैं, पाकिस्तान के भी फैंस हैं, दोनों से बात करेंगे, सेंस लेंगे कि दरअसल इस मैच के मायने क्या रखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट था। हमारे साथ कुछ खास लोग भी हैं, हमारे पास शोभित हैं और केविन हैं, जो मैनचेस्टर में भी थे जब इंडिया सेमीफाइनल हारा था 2019 का न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के खिलाफ। शोभित, पहले तो ये बताइए कि तब और अभी के वर्ल्ड कप में क्या फर्क दिखा आपको? फर्क दिखा कि पाकिस्तान की टीम काफी एनर्जेटिक दिखी वर्सेस इंडिया की टीम, जो कि इस बारी थोड़ी कम एनर्जेटिक थी और यू नो बैकफुट पे लग रही थी। सो आई थिंक द टेबल इज टर्न्ड। जो टीम पहले कम अच्छा खेल रही थी वो इस बार अच्छा खेली है। आई थिंक T20 शुड बी 20 प्लस के लिए, तो वो पाकिस्तान ने लेके आए यंगस्टर्स के लिए। इंडिया की तरफ से थोड़ी वही टीम थी, तो वो एक एनर्जी का डिफरेंस था, बिल्कुल, और एक अप्रोच का डिफरेंस था। आप पाकिस्तान के फैन हैं, मुझे ये बताइए कि इंडियन टीम को भी आप देखते रहे हैं, प्लेयर्स को भी देखते रहे, आपके हिसाब से आज इंडियन टीम में क्या कमी दिखी? आज इंडियन टीम में ये कमी हमने देखी है जो पाकिस्तानी टीम में पहले कमी होती थी, कि नर्वस टीम थी आज। कल मैंने विराट कोहली का जो मैंने इंटरव्यू सुना था उसमें वो नर्वस दिखाई दे रहे थे, तो इनकी जो ना बॉडी लैंग्वेज जो बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से बॉडी लैंग्वेज इंडिया की टीम प्रेशर भी बहुत ज्यादा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। ये बिल्कुल ठीक है, और आई थिंक वही आज डिफरेंस रहा। एक टीम पॉजिटिव लगी, एनर्जेटिक लगी, और इंडिया की टीम थोड़ी बैकफुट पे लगी, उतनी इंटेंट कम लगा। तो मैंने कहा जैसे शायद एक्सपीरियंस ज्यादा था लेकिन जोश कम था, एक थोड़ी यंग टीम होती। आप तो यंग क्रिकेटर हैं, आप दुबई में क्रिकेट खेलते रहे, फैन इंडिया के हैं लेकिन क्रिकेटर हैं, आज के गेम को आप कैसे एसेस करेंगे एज ए यंगस्टर बडिंग क्रिकेटर? आई थिंक जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी दूसरे यंगस्टर्स को देखने के लिए, कि T20 का फॉर्मेट जो है कैसा खेला जाता है, और पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया। इंडिया से तो आज पुअर परफॉर्मेंस थी क्योंकि इतना अच्छा इंटेंट नहीं था और हमारी बॉलिंग भी थोड़ी लूज थी, और बैटिंग में भी फ्यू चांसेस जहां हम कैपिटलाइज कर सकते थे इनिंग्स और 180 का स्कोर लेके जा सकते थे, बट आई थिंक पाकिस्तान के ओपनर्स ने बहुत अच्छा खेला और पाकिस्तान के ओपनर से बहुत अच्छा खेला। इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हर कोई शुरू में ये कहता है जब किसी की टीम स्ट्रांग होती है और किसी की टीम वीक होती है, आप कभी भी किसी इसमें नहीं जा सकते कि इसकी टीम जो है स्ट्रांग है, इसकी टीम जो वीक है। मतलब कि खेलने से पहले हर कोई, जो पाकिस्तानी भी थे वो भी यही कह रहे थे कि इंडिया की टीम जो है बहुत स्ट्रांग है इस बार, लेकिन उसके बाद ये जो मेन चीज़ जो प्रेशर जो होता है जिस टीम में पड़ता है, जो प्रेशर होता है वही टीम हमेशा हारती है। जैसे आज जो पाकिस्तान ने साबित करके दिखाया है, तो कभी भी किसी भी टीम को वीक नहीं कहना चाहिए। तो ये है, मैं ये भी अभी कहूंगा, लेकिन कोहली तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम को लाइटली नहीं ले सकते, उन्होंने खुद मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी। सही बात है। तो क्या आपको लगता है कि, और जब भी पुराने मैचेस भी होते रहे, चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो, मुझे याद है शाहिद अफरीदी ने मोहाली में कहा था कि, और धोनी ने कहा था कि भाई पाकिस्तान की टीम मैच विनर हो सकती है किसी भी दिन, और ये दोनों टीमें एक दूसरे के बारे में कहती हैं, तो क्या ये एक सेफ पॉलिसी होती है? जी, मेरे ख्याल से तो जो मेन डिफरेंस है ना वो कैप्टनसी का है। जब धोनी कैप्टन हुआ करते थे तो इंडिया की टीम जो है ना क्रूशियल मोमेंट में मैच को अपनी तरफ टर्न कर लेती थी। कोहली की जो कप्तानी, कोहली बहुत ग्रेट प्लेयर है लेकिन जो उनकी कैप्टनसी वो बहुत वीक है, और वो कंसिस्टेंटली शो कर रहे हैं टूर्नामेंट में। पाकिस्तान की बाबर आजम की कैप्टनसी मच बेटर है, और ये सीरियसली है कि धोनी के ना होने से ना ये फर्क वाकई दिख रहा है कि टीम एक्सीलेंट होने के बावजूद भी इंडिया जीत नहीं पा रही है। मैच से पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये मैच जो है इस किस्म का मैच, ये स्किल्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या नर्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? जी, बिकॉज दिस इज़ अ राइट बैलेंस। इस किस्म के मैच में यू नो समटाइम्स योर नर्व्स आर इवन मोर इंपॉर्टेंट आपके स्किल्स से। आई थिंक ये चीज़ नज़र आ रही थी कि जो नर्व्स थे फ्रॉम अ वेरी स्टार्ट जो है पाकिस्तानी टीम के, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग खेले हैं, इंटेंट बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था कि जो जीतने के लिए खेले। शोभित, एक सवाल आपसे, बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है, अश्विन की कमी कितनी खली, क्या उनको टीम में होना था आज?
बिल्कुल होना चाहिए था, और मेरे ख्याल से और भी कुछ यंगस्टर्स को जिन्होंने आईपीएल में अच्छा किया है, आप आईपीएल इतना ग्रैंड टूर्नामेंट करते हैं, टैलेंट निकल के आता है, तो वो टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, बजाय कि आपकी टीम की एवरेज है एक 30+ हो एक T20 के फॉर्मेट के लिए, तो वो कुछ एक्सपीरियंस और यंग का थोड़ा और मिक्स बेटर होना चाहिए था। तो टीम में अब इम्प्रोवाइजेशन की और ज़रूरत है और प्लेयर्स की ज़रूरत है। हाँ, आप अच्छा कहना चाह रहे हैं। जो हम लोग एक पॉइंट मिस आउट कर रहे हैं, देखें एनर्जी इंडिया टीम ने भी अगर जो फील्डिंग की है दैट वॉज गुड, जो हमारा मेन पॉइंट था वो आई थिंक शाहीन आफरीदी की बॉलिंग थी, जो उसने दो बॉल कराई थी शुरू में, जो विकेट लिए उन्होंने रोहित शर्मा और KL राहुल को, वो जो बॉल थी वो अनप्लेबल बॉल थी, और उसके बाद से इंडियन टीम ट्राई भी करी थी कमबैक करने की, बट जो उसने एक वो कहते हैं ना कि चोट मार दी थी, वो पूरी टीम को आखिर तक हिट होती रही। हालांकि कोहली पूरी इनिंग को लेके चला, वो सेंसेबल खेलता रहा, लेकिन उनसे वो दूसरे एंड पे कोई भी क्या कहते हैं रोटेशन नहीं होती, सपोर्ट नहीं मिला, और कोहली भी शायद मतलब जो रन है बॉल वाले मोड में थे, वो नर्वसनेस बिल्कुल नजर आ रही थी, क्योंकि वो क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि यार अगर मैं रिस्क ले लूंगा तो क्या कहते हैं कि टीम लेना डूबे हमें जी, जी। तो वो एक जो एक होता है ना कि रिस्क फैक्टर, अगर शायद कोहली वहां पे वो इंटेंट दिखा देता तो फिर स्कोर। आप बताएं, आपसे मैंने बात नहीं की है, आपने मैच देखा? आपने अच्छा आपने देखा मैच? यस यस। क्या असेसमेंट है आपका गेम का? सर मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया वाले अश्विन को बुलाते जडेजा की जगह, जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की है लेकिन अश्विन का जो प्रेशर है क्योंकि वो ऑफ स्विंग भी करता है, तो चक्रवर्ती को खिलाया उसकी जगह नहीं, आपको लगता है जडेजा की जगह अश्विन को खिलाना? नहीं नहीं, चक्रवर्ती जो है उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की, उसकी बॉलिंग स्लैप लग रही थी। और दूसरी बात के जो कृणाल पांड्या जो वो बहुत अच्छे बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी हैं, मोहम्मद शमी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन वो शॉर्ट पिच कर रहे थे, शॉर्ट पिच को शॉट बहुत अच्छी से लगती है, ठीक है। अगर आप यॉर्कर बात करते हैं तो आप बॉलिंग जो रन हैं उनको सेव कर लेते हैं, अगर आप शॉर्ट करते हैं तो उसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो चौका या डबल हो जाएगी, चक्का हो जाएगा। दुबई की पिच के बारे में शोभित, क्या कल बहुत लो स्कोरिंग थी, आज 150 लग रहा था कुछ लोगों को कि अच्छा स्कोर है, लेकिन एकदम से मतलब वो 10 विकेट से ही हार हुई सीधे। हाँ, आई थिंक थोड़ा और एक 10-20 रन की कमी रही, और आई थिंक बैटिंग तो अच्छी थी पाकिस्तान ओपनर्स की, तो वो आई थिंक एक डिफरेंस दिखा जिसकी वजह से 150 स्कोर भी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा जी। आपको क्या लगता है, क्या हाँ मुझे लगता है कि पिच में तो इतनी कोई कमी नहीं थी, इट वॉज़ अ गुड पिच, बट जैसे इंटेंट इंडिया का अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, और पाकिस्तान ने उसको उस प्रेशर के ऊपर कैपिटलाइज किया, और प्रेशर को उन्होंने अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल किया, और उनके ओपनर्स ने तो बॉलर्स को बहुत अच्छा खेला जी। तो लबोलबाब ये है कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में चाहे वो T20 हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, पहली बार पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है और 10 विकेट से हराया है, पूरे 10 विकेट से इस T20 में। पहला गेम था ये टूर्नामेंट का इन दोनों टीमों के आपस में, और जाहिर है पूरा टूर्नामेंट है, और अभी ये भी ऐसा बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा टीमें अपने गेम्स पर और ज़्यादा बिल्डअप करेंगी। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा भी सूरत बन सकती है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान की सेमीज या फाइनल से भी भिड़ंत हो सकती है, लेकिन वो बहुत बात की बात है। आज की जो ताज़ा खबर है वो यही है कि 10 विकेट से पाकिस्तान ने भारत को हर डिपार्टमेंट में हराया है। नितिन श्रीवास्तव, BBC News, दुबई।